और अब कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। टीकमगढ़ में जीएमपीसीजी की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। कृषि उपज मंडी में बारिश से किसानों की फसल भीगने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। मंडी सचिव को व्यापारियों का अनाज टिन शीट से हटाकर किसानों की उपज रखने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आगे किसानों को नुकसान ना हो। देखिए, अभी तो मैंने जांच रिपोर्ट मंगाई है, तो जांच रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदार होंगे उनको अपन कार्रवाई करेंगे, जो यहाँ के नियम कानून होंगे उसके अनुसार। नुकसान हुआ है तो पहले देखेंगे, नुकसान यदि आता है सामने तो जो भी यदि कोई प्रावधान होगा तो उसके अनुसार उनको राहत दिलाएंगे, और अन्यथा आगे ऐसा ना हो इसके प्रबंध करेंगे। तो जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इसका असर इस रूप में हुआ कि खुद वहां पर आलाधिकारी पहुंचे, एसडीएम वहां पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने कृषि मंडी पहुंचकर तमाम चीजों को समझा, परखा, जाना। मंडी सचिव को व्यापारियों का अनाज टिन शेड से हटाकर किसानों की उपज रखने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होगी और ऐसी व्यवस्था अब आगे की जाएगी कि किसानों को नुकसान ना हो। दरअसल किसान बहुत परेशान थे और जीएमपीसीजी ने उनकी परेशानियों को समझा। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और अब हमारी खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। टीकमगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी में बारिश से किसानों की फसल भीगने की खबर हमने दिखाई थी और इसको देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। कृषि मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का एसडीएम ने जायजा लिया। मंडी सचिव को व्यापारियों का अनाज टिन शीट से हटाकर किसानों की उपज रखने के निर्देश दिए हैं। आरपी सिंह परमार जी मीडिया संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, जीएमपीसीजी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, वहां पर एसडीएम पहुंचे और व्यवस्थाओं को उन्होंने खुद देखा। जी, ये आपको बता दूं कि दो दिन पहले कृषि उपज मंडी में काफी पानी बरसने से उड़द की फसल नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर जीएमपीसीजी ने कल उस खबर को देखा था। इसको लेकर जिला प्रशासन हरकत में आया और उसने आज एसडीएम को भेजा और एसडीएम ने मौके पर जाके जांच की और जांच करने के बाद जहां लापरवाही पाई गई उसको लेकर समिति सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि जो तीन सेट है, तीन सेट के नीचे जिन व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है उनके तीन सेट के नीचे से उनको अनाज हटाया जाए, किसानों को वहां से सुविधा मिल सके। आरबी सिंह, किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले जो तस्वीर आई थी वो बताती थी कि किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन अब क्योंकि फैसला ले लिया गया है, कदम भी उठाए गए हैं, तो ऐसे में किसानों के बीच से क्या बातें सामने आ रही है? किसानों का कहना है कि चूंकि तीन सेट किसानों के लिए बनाए गए थे कि किसान जैसे ही अपना अनाज मंडी में बेचने आए तो उसको व्यापारियों ने समिति प्रबंधक के कुप्रबंधन के कारण और उसकी देखरेख के कारण ऐसे में किसानों को खुले में अपना अनाज मजबूरन अनाज बेचना पड़ रहा था, इसलिए किसान भी परेशान है। जी, बहुत धन्यवाद आरबी सिंह परमार, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहां पर वरीय अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की बात कही और ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये उन्होंने बड़ी बात कही।